नमस्कार दोस्तों, पवन सिंह चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप डिजी लॉकर कैसे यूज कर सकते हैं और इसके क्या फायदे हैं। दोस्तों, आप जानते होंगे कि बैंक भी हमें लॉकर प्रोवाइड करता है, जिसमें हम अपना कीमती सामान, गहने वगैरह बैंक के लॉकर में रखते हैं। इसी प्रकार भारत सरकार द्वारा हमें डिजी लॉकर की सुविधा दी गई है, जिसमें आपके जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो डिजिटली तौर पर सुरक्षित रहते हैं और इसमें आप अपने काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट रख सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपके कार की आरसी है, या बैंक का, या आपके बाइक वगैरह का जो ड्राइविंग बाइक की आरसी है, जो ड्राइविंग लाइसेंस है, ये आप डिजिटली डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियों ने भी डिजिटल लॉकर से टाई अप कर लिया है, तो वहाँ पर भी आप अपनी इंश्योरेंस की कॉपी भी उसमें अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो अपने स्कूल सर्टिफिकेट हैं या और ज़रूरी जो कागज़ हैं वो डिजिटल लॉकर में सुरक्षित रख सकते हैं। और एक ऐप है डिजी लॉकर करके, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं और फिर जब भी कभी ज़रूरत पड़ती है या कभी आपको ट्रैफिक पुलिस द्वारा रास्ते में रोक लिया जाता है, तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस या जो अदर डॉक्यूमेंट है वो साथ में अगर नहीं भी होंगे तो भी आप डिजी लॉकर से जो भी उनको डॉक्यूमेंट दिखाएंगे वो वैलिड माने जाएंगे और उस पर आपका जो चालान है वो नहीं कटेगा। तो काफ़ी सारे फायदे हैं डिजी लॉकर के। तो आज हम चलते हैं कंप्यूटर पे, जानते हैं कि डिजी लॉकर आईडी कैसे बनती है और इसे आप कैसे यूज कर सकते हैं। डिजी लॉकर के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि आपका एक मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा। फिर जो आपका आधार लिंक मोबाइल नंबर है उस पर मैसेज आता है और आप आसानी से डिजी लॉकर पर लॉग इन कर लेते हैं। आपको दोस्तों बता दूं, अभी सीबीएसई बोर्ड ने जो सर्टिफिकेट है, या पंजाब बोर्ड ने भी जो अपने सर्टिफिकेट है वो डिजी लॉकर पे भेजने शुरू कर दिया है। तो जो विद्यार्थी 10वीं 12वीं पंजाब बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड से भी कर चुके हैं, वो भी अपना जो सर्टिफिकेट है वो डिजी लॉकर के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों कंप्यूटर पे और जानते हैं। इसी के साथ दोस्तों, आप पवन सिंह चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ना बेल आइकन दबा लें, ताकि मेरे द्वारा कोई भी नई वीडियो जो बनाई जाए तो उसका ऑटोमेटिक अपडेट आपके पास आ जाएगा। थैंक्स फ्रेंड, वेलकम इन पवन। दोस्तों, आपने अपने ब्राउजर में डिजी लॉकर .gov.in टाइप करना है तो इस तरह की ऑप्शन आपके सामने खुलकर आ जाती है। इसके बाद दोस्तों आपने जाना है साइन अप पर। आपके राइट साइड साइन अप ऑप्शन है, तो राइट साइड साइन अप ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों आपने अपना मोबाइल नंबर भर लेना है। मोबाइल नंबर भरने के बाद दोस्तों आपको ओटीपी आ जाता है और जैसे ही आप ओटीपी कंफर्म करते हैं तो आपको डिजी लॉकर का पासवर्ड बनाने की ऑप्शन मिल जाती है और यहाँ पर बड़ी आसानी से आप अपना पासवर्ड जेनरेट कर सकते हैं। इसके बाद आप, जब आपकी डिजी लॉकर आईडी बन जाती है, तो आपने अपने यूजर नेम और पासवर्ड से आप लॉग इन कर लेंगे। तो मैं आपको एक बार यूजर नेम और पासवर्ड से लॉग इन करके भी आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, मैं अपनी डिजी लॉकर आईडी से अभी लॉग इन कर चुका हूँ। तो इस तरह के आपके पास आइकॉन्स
खुलकर आ जाते हैं। सिक्योरिटी रीजन से मैं अपने जो डॉक्यूमेंट है वो आपको शो नहीं कर रहा। आधार कार्ड मैंने डाउनलोड कर रखा है, मेरे गैस की कॉपी है, पैन कार्ड है, मेरी कार की आरसी है। तो ये डॉक्यूमेंट यहाँ से आपके पास शेयर डॉक्यूमेंट ऑप्शन से आप इन डॉक्यूमेंट को कहीं पर शेयर भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आप अपनी जो 10वीं 12वीं की मार्कशीट है, जो स्टूडेंट अभी हाल ही में CBSE बोर्ड या पंजाब बोर्ड से पास हुए हैं, तो वो अपनी मार्कशीट भी डिजी लॉकर में डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको डिजी लॉकर के महत्व के बारे में अच्छी तरह से पता लग गया होगा। और इसी के साथ पवन सिंह चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फ्रेंड।